हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीइंग हेल्दी में। मैं हूं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टीबी रिलैप्स को लेकर है, यानी कि जिन लोग को टीबी बार बार हो रही है इसको लेकर हम बात करेंगे। तो अगर आप टीबी के मरीज हैं, मेक श्योर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोज़ मेरे पास 2 से 3 कमेंट आते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन में, और जो भी मरीज़ है जो कमेंट करता है उसका ये कहना होता है कि सर मुझे दोबारा टीबी हुई है, कुछ कहते हैं मुझे तीसरी बार हो रही है, कुछ का कहना होता है हमें 10 साल बाद रिलैप्स हुई है, किसका कहना होता है कि मुझे 20 साल बाद दोबारा हो रही है। तो बार बार टीबी क्यों हो रही है, ख़ासतौर पर ऐसे इंसान को जिसको पहले भी टीबी हो चुकी है? क्या टीबी ठीक नहीं होती? जो दवाई दी जाती है क्या इससे इस बैक्टीरिया को सिर्फ दबाने का काम किया जाता है? तो इसको लेकर मैंने बहुत सी रिसर्च की और रिसर्च में पाया गया है, क्योंकि आपको जिससे को पता होगा जब टीबी की जांच होती है तो जो जांच में बैक्टीरिया मिलता है, और जब आपका कोर्स पूरा हो जाता है यानी कि जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद आपका दोबारा टेस्ट होता है तो वो टेस्ट नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से मर चुका है, ख़त्म हो चुका। तो अगर बैक्टीरिया मरा है, ख़त्म है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टीबी ठीक नहीं होती। वो बात अलग है कि दोबारा आपको टीबी हो जाती है, तो वो चीज़ दूसरी चीज़ है। चलिए, मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च करके चीज़ें मैंने कुछ फाइंड आउट की है, क्योंकि बहुत से मरीज़ यही पूछ रहे थे सर हमको बार बार टीबी क्यों हो रही है, डॉक्टर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, आप ही कुछ बता दीजिए। तो चलिए मैं फाइनली कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ, और ये थोड़ा आप गौर करिएगा, थोड़ा इसमें थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है कि बार बार टीबी आखिर क्यों हो रहा है आपको। देखिए, इसमें सबसे जो पहला रीज़न है वो ये है कि जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको जब पहली बार टीबी होता है तो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, या कुछ पेशेंट होते हैं थोड़ा लापरवाह किस्म के हैं, तो वो क्या करते हैं कि दवा का कोर्स को पूरा नहीं करते। जैसे कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं जब उनको टीबी से जुड़े लक्षण देखने को मिलते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, तो वो क्या करते हैं एक रजिस्टर्ड यानी कि एक जो नॉर्मल डॉक्टर होता है, जैसे कि डॉट सेंटर हुआ या हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं उनको नहीं दिखाते, वो लक्षण के बेसिस में क्या करते हैं गूगल में सर्च करते हैं। जब उनको लगता है कि भाई उनको टीबी से जुड़े लक्षण दिख रहे हैं, वो टेस्ट भी नहीं कराते, वो गूगल में इसकी दवाइयाँ सर्च कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि गूगल में आजकल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है कि भाई टीबी की दवा ये होती है, रिम्फामसिन, आइजोनाइजेट, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको आजकल गूगल में मिल जाएगा। और जो टीबी की प्राइवेट दवा होती है वो बड़ी आसानी से किसी को भी मिल जाती, तो कुछ लोग क्या करते हैं उस दवा को बाज़ार से खरीद लेते और खाना शुरू कर देते, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि WHO ने एक टाइम सेट कर रखा है हर तरह की टीबी का, जैसे कि लंग्स टीबी का 6 महीने, पेट की टीबी का 1 साल, हड्डी की टीबी का 18 महीने। तो हर टीबी का WHO ने एक मिनिमम टाइम पीरियड सेट किया कि इतने महीने तक इस पेशेंट को जिसको इस तरह की टीबी डायग्नोस हुई है उसको खाना होता है, उसके बाद ही आपकी टीबी ठीक होती है। लेकिन जो लोग प्राइवेट से इलाज कर रहे हैं या जो लोग अपने मन से इलाज कर रहे हैं बिना डॉक्टर के सलाह लिए, तो वो लोग क्या करते हैं वो दवा को सिर्फ उस टाइम तक खाते हैं जब तक कि उनके लक्षण दिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को लंग्स टीबी होता है तो उसने प्राइवेट से दवा खरीदनी, 184, 183 आजकल टीबी की दवा होती है, तो वो खरीदते हैं, तो वो उस दवा को 2 या 3 महीने खाते हैं। जैसे 2-3 महीने में उसकी खांसी चले जाती है, उनका जो है बुखार पूरी तरह से उतर जाता है, उनको लगता है भाई हम तो अब ठीक हो गए, तो वो उसके बाद दवा खाना छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। टीबी एक ऐसी बीमारी है, इसका बैक्टीरिया बहुत ही धीरे धीरे मरता है, कम से कम मिनिमम 6 महीने आपको खाना होता है, उसके बाद टीबी का जो बैक्टीरिया पूरी तरह से मरता है। तो 3 महीने में दवा खाना अगर आप छोड़ देंगे, कोई पेशेंट अगर छोड़ देगा, तो 3 महीने एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बैक्टीरिया मरता नहीं, सिर्फ बेहोश होता है। इसका भी स्टेज होता है कि सबसे पहले दवा आप खाएंगे तो सबसे पहले बैक्टीरिया बेहोश होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके मरता है। तो 3 महीने के टाइम में सिर्फ वो बेहोश होता है, और जब आप 3 महीने बाद ही आप दवा खाना बंद कर देते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है, जो बेहोश हुआ होता है, वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। तो कुछ लोग में तो ये बाद में MDR बन जाता है, और कुछ लोगों में दोबारा टीबी रिलैप्स हो जाती है। उनको लगता है कि भाई 3 महीने में हम ठीक हो गए, और उनको लगता है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन आगे चल के जब वो बैक्टीरिया दोबारा एक्टिव होता है, फिर से ग्रो करना शुरू हो जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो टीबी है दोबारा से रिलैप्स हो गई है। लेकिन सही मायने में देखा जाए जब उनको पहली बार टीबी हुई थी तो वो सही मायने में वो टीबी ठीक ही नहीं हुई थी, क्योंकि उनने जो दवा है वो पहले ही बंद कर दी थी बिना डॉक्टर से पूछे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है लापरवाही, जिसके चलते टीबी की जो बीमारी है वो बार बार ज़्यादातर पेशेंट पे रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न बहुत ही कॉमन है, बहुत ही रेयर तरह का है, देखिए टीबी से ठीक होने के बाद अगर आप ऐसी जगह ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे टीबी ज़्यादा फैला है, या ऐसे लोगों के बीच में अगर आपका उठना बैठना रहता है जो जिनको पहले भी टीबी हो चुका है, या जिनका इलाज चल रहा है, जो थोड़ा सा बीमार किस्म के रहते हैं, या थोड़े से जो जहाँ जिन लोग आपने देखा होगा जो थोड़े गरीब गरीब टाइप के लोग होते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़ गौर की होगी कि जो टीबी की बीमारी होती है ये जनरली उन लोगों को ज़्यादा होती है जो थोड़े से गरीब किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि देखिए टीबी देखा जाता है ये बीमारी ऐसी होती है ये जनरली उन लोगों को ज़्यादा पकड़ती है जिनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जिन लोगों की डाइट अच्छी नहीं होती, डाइट कमज़ोर होती है, जैसे कि गरीब लोग जो होते हैं उनकी डाइट थोड़ी सी कमज़ोर होती है, तो इन लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है, जिसके चलते इन लोगों को टीबी बड़ी आसानी से हो जाती है। और थोड़ा सा पढ़े लिखे ना होने की वजह से, थोड़ी सी अनपढ़ता की वजह से ये लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास नहीं जाते, और इनको क्योंकि पता नहीं होता कि ये फैलने वाली बीमारी है, ये खुले में खांसते हैं छींकते हैं, तो इसके जो बैक्टीरिया होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, और जब ये लोग कुछ अच्छे इंसान के बीच में जाते हैं तो उनको भी फैलाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इन लोगों में से हैं कि अगर आप इन लोग के इस टाइप के लोग जो जिनको इस तरह की बीमारी होती है, इन लोगों के बीच में अगर आपका उठना बैठना रहता है, भले ही आपके ऑफिस में काम करते हैं या कोई ऐसी एरिया में जाते हैं, अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी काम करते हैं जैसे कि चेस्ट डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, या ऐसे डिपार्टमेंट अगर आप जहाँ पे टीबी के मरीज़ अक्सर पाए जाते हैं, तो इस तरह के डिपार्टमेंट या इस तरह की एरिया में अगर आप अक्सर रहेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं, जिसके चलते आपको टीबी दोबारा हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कारण के बारे में। देखिए जैसे कि हम सबको पता होगा कि टीबी की बीमारी जनरली उन लोगों को होती है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो अगर किसी इंसान को टीबी की बीमारी हुई है तो ये समझ लीजिए उसका इम्यून सिस्टम डाउन हुआ होगा। तो देखिए जब आपका इलाज पूरा हो जाएगा उसके बाद जो डॉक्टर होते एक अच्छे डॉक्टर आपको ये हिदायत देते कि आप अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखने को आपसे कहा जाता है टीबी से ठीक होने के बाद, तो इसमें डाइट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। कहा जाता है कि आपको टीबी से ठीक होने के बाद जो भी आपकी बुरी आदतें हैं जैसे कि तम्बाकू सिगरेट या शराब या बाहर का खाना, इस तरह के जितने भी फालतू की चीज़ें होती है ये आपको पूरी तरह से बंद करना होता है, एक अच्छी डाइट में आपको आना होता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको थोड़ा सा चेंज करना होता है, एक अच्छी एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अडॉप्ट करना होता है, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करना। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई चलो अब टीबी तो ठीक हो गई, अब वही पुराना वाला लाइफस्टाइल फिर से चूज़ कर लेते हैं। अक्सर मेरे पास कमेंट आता है, लोग कहते हैं कि सर मेरी टीबी ठीक हो गई, क्या मैं पी सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तो देखिए इस तरह अगर आप अपनी लाइफ को दोबारा रिस्क में डालेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका आगे चल के इम्यून सिस्टम फिर से डाउन हो जाए, तो फिर से ऑब्वियसली बात है बड़ी आसानी से अगर आप इस बैक्टीरिया के संपर्क में अगर आते हैं तो आपको ये दोबारा हो सकती है। तो अगर आप टीबी के मरीज़ रह चुके हैं, कोर्स आपका पूरा हो चुका है, तो ये समझ लीजिए आपको एक नई ज़िंदगी मिली है, और इस नई ज़िंदगी में जो आपने पहले किया था टीबी होने से पहले जो भी आप करते थे ये पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए, नहीं तो अगर आपका इम्यून सिस्टम इस बार डाउन हुआ तो आपको दोबारा टीबी हो सकती है। तो ऐसा ना हो, दुआ करिए कि टीबी दोबारा ना हो, एक अच्छी हेल्थ आप मेंटेन करिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आप जो है फॉलो करना शुरू कर दीजिए टीबी से ठीक होने के बाद। देखिए इसके अलावा एक रीज़न और भी है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। देखिए होता है कि जैसे कि आपको बताया कि टीबी आपके सर से लेकर पैर तक कोई भी ऑर्गन में हो सकती है, लेकिन जो फैलने वाली होती है वो लंग्स टीबी होती है, जिसे हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो परिवार में अगर किसी इंसान को पहली बार टीबी होता है तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलता, अगर किसी इंसान को पहले भी टीबी हो चुका है तो उसको जब सेकेंड टाइम अगर उससे मिलते जुलते लक्षण देखने को मिलते तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन जब पहली बार ये होता है तो इंसान को ये लगता है नॉर्मल खांसी है, तो वो क्या करता है खुले में खांसना शुरू कर देता है, एक महीना दो महीना, जब एक महीने से ऊपर हो गया तो थोड़ा सा उसको डाउट होता है कहीं ऐसे तो नहीं टीबी वाली खांसी है, या जब उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी भी आ रही है, बुखार भी आ रहा है, जब थोड़ा सा सीरियस लगना शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट को, तब वो जाता है डॉक्टर के पास। तो होता है कि तब तक वो क्या करता था, जो बैक्टीरिया उसके अंदर टीबी का होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसके घर में घूमने शुरू कर देता है, जब जब वो खांसेगा छींकेगा तो जो बैक्टीरिया है वो हवा में आ जाता है, और उसके परिवार के दूसरे संपर्क में जो लोग होते हैं, उसके फैमिली मेंबर हो गया या ऑफिस जाता है तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं या लोग हैं जो उसके पेशेंट के अक्सर संपर्क में रहते हैं, तो वो लोग उस बैक्टीरिया को अंदर ले लेते हैं। तो जब तक उनका इम्यून सिस्टम
मजबूत रहेगा तब तक तो उनको टीबी नहीं होगा, लेकिन आगे चल के जैसे कि आपको पता हो कोरोना आ रहा है, कभी ओमिक्रोन आ रहा है, कभी डेल्टा आ रहा है, तो इस तरह की नई नई बीमारियाँ जो आ रही है ये क्या कर रही है, आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर रही है। और जिन लोगों ने बैक्टीरिया टीबी का ले रखा है उनका अगर इम्यून सिस्टम डाउन हो गया तो उनको भी टीबी हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को टीबी था, उसने खांसा था और एक महीने तक खांसा, इतना ज़्यादा खांसा कि बैक्टीरिया भी बाहर आ गया था, परिवार के किसी दूसरे इंसान ने उस बैक्टीरिया को अंदर ले लिया, तो जिसको टीबी था वो तो ठीक हो गया, लेकिन मान लीजिए जिसने बैक्टीरिया, उसके परिवार के दूसरे इंसान जिसने बैक्टीरिया लिया था, उसको अगर आगे चल के हो गया, अगर इस बार भी और वो भी अगर यही कर रहा है, खुले में खांस रहा है, तो हो सकता है कि वो जिसको आपने बैक्टीरिया पहले दिया था उससे बैक्टीरिया इस बार आपको मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको दोबारा हो जाएगा। तो सबसे बड़े खतरा यही है कि परिवार में जिस इंसान को पहली बार टीबी होता है तो वो खतरे की घंटी होता है सबके लिए। तो डॉक्टर यही हिदायत देते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी एक इंसान को भी टीबी हो गया तो परिवार के जितने भी बाकी लोग हैं सबको अपना एक बार बलगम की जांच ज़रूर करवानी चाहिए। बलगम के साथ आप टीबी का एक गोल्ड टेस्ट भी होता है जिसे हम ब्लड टेस्ट कहते हैं, ये भी आप करवा सकते हैं। तो इससे कन्फर्म होगा कहीं परिवार के किसी दूसरे इंसान को तो टीबी नहीं फैल गया है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के परिवार के किसी दूसरे इंसान के इम्यून सिस्टम डाउन हो, वो तीसरे को फैला दे, तो इससे बीमारी जो है पूरी फैमिली में घूमने लगती है और कभी ठीक नहीं होती, बार बार होती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि टीबी की बीमारी ठीक नहीं होती, ये बार बार रिलैप्स होगी, सब में होगी, तो ऐसा नहीं है। परिवार में जिसको पहली बार टीबी होता है वही एक रीज़न होता है जिसके चलते पूरी फैमिली में टीबी चलती रहती है सालों सालों तक। अच्छा, टीबी को लेकर एक मिथ भी है, यानी गलतफहमी भी है। कुछ लोगों को ये लगता है क्या टीबी एक फैमिली डिजीज़ है, यानी कि एक फैमिली से दूसरे फैमिली, यानी कि जिसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बीमारी, कि पहले हमको होगा, फिर हमारे बच्चों को होगा, फिर हमारे नाती को होगा, क्या टीबी इस तरह की बीमारी है? तो इसका आंसर है नहीं। अगर किसी इंसान को टीबी की बीमारी हुई है तो उसने उस बैक्टीरिया को अंदर लिया होगा, हो सकता है परिवार में किसी दूसरे इंसान को टीबी होगी और उसने खांसा होगा खुले में, तो वो बैक्टीरिया उसने अंदर लिया होगा, तो हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए टीबी की बीमारी फैलने वाली होती है और इसका पीढ़ी दर पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की कि टीबी की बीमारी को काबू कैसे किया जाए। देखिए आज की डेट में इसका इलाज क्या है, इलाज चार तरह के ड्रग्स आपको दिए जाते हैं जो आपको 6 महीने से लेकर 2 से 2.5 साल तक आपको खाना होता है, तो ये इसका इलाज है। वैसे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि नई नई तरह की मेडिसिन बनाई जाए जिससे ये जो इलाज है जिसे हम बहुत लंबा देखते हैं ये बहुत ही कम टाइम में पूरा हो जाए। वैसे तो देखा जाए हमारी जो मेडिकल साइंस है इसने बहुत ज़्यादा तरीके की है, क्योंकि एक टाइम पे ये जो इलाज है वो मिनिमम 2 से 2.5 साल तक करना पड़ता था एक युग एक ज़माने में, लेकिन आज के टाइम में ये जो कोर्स है बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है, सिर्फ 6 महीने का। सुनने में आपको लग रहा होगा 6 महीने बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम उस टाइम से कंपेयर करें जब 2-2, 3-3 साल तक आपको दवा खानी पड़ती थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये 6 महीने का जो कोर्स होता है इसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स। देखिए आपने एक इंग्लिश में कोटेशन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दवा तो है ही, लेकिन अगर ये बीमारी आपकी बॉडी में आए ना तो ये दवा भी आपको नहीं खानी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि टीबी में आपको 6 से 2 साल तक दवा खानी होती है और दवा इतनी हार्ड होती है कि टीबी तो ठीक हो जाती है नो डाउट, लेकिन इसके अलावा आपको और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप चैनल पे जाके देखना। तो मेन है कि इसे काबू कैसे किया जाए। देखिए इसको लेकर देखिए इंडिया ने ये प्रण ले रखा है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे और ये 2022 चल रहा है, तो 3 साल का मतलब जिसे कहते हैं 3 साल में ये पूरी तरह से ये सरकार ने पहली टारगेट रखा है कि 2025 तक पूरे भारत से टीबी मुक्त भारत को बनाएंगे। और WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये कहना है कि 2030 तक पूरे दुनिया से टीबी को हटाएंगे। तो इसमें जो सबसे मेन जो गेम चेंजर होगा वो वैक्सीन होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस में कोरोना को काबू तब पाया गया जब इसकी वैक्सीन बनी, तो जब तक टीबी की वैक्सीन एक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आती तब तक इस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दवा तो काम कर ही रही है, लेकिन अगर वैक्सीन आ जाएगी तो ये टीबी किसी को होगी ही नहीं। और जैसे कि आपको पता होगा कि टीबी एक बार हो जाती है तो दोबारा होने का डर पूरी ज़िंदगी भर सताता रहता है। जब जब आपको खांसी आएगी तब तब आपको ऐसे ही लगेगा कहीं दोबारा तो नहीं हो गई। तो इस पर हम तभी काबू पा सकते हैं कि जब इसकी वैक्सीन बन जाए, एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन बने जो काम करे, जो रोके, जो टीबी को दोबारा होने से रोके या कभी भी टीबी ना होने दे, तो इसके लिए एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। वैसे पूरे दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं और आज के डेट में 25 से भी ज़्यादा वैक्सीन पे
काम चल रहा है और बहुत ही करीब है। और इसी तरह से अगर हम लोग मेहनत करते रहे और जो देश में ये बीमारी नहीं फैली है वहाँ से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे मेन चीज़ वो है कि थोड़ा सा पैसों का थोड़ी सी कमी चल रही है, क्योंकि जो पैसा हम लोग टीबी पे खर्च कर रहे थे अब इसमें से बहुत सा पैसा आपका कोरोना की वैक्सीन में चला जा रहा है, तो थोड़ा सा पैसे की कमी के चलते इस पर जो रिसर्च हो रही थी थोड़ी सी ढीली हो गई है। सरकार का भी एक बैरियर है कि वो इतना खर्च कर सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे नहीं आ रही, वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रही है। ये बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर्स होता है उनका कहना है कि पैसे की कमी को चलते जो टीबी की वैक्सीन जो बन नहीं थी, जो रिसर्च हो रहा था, उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। तो बस यही दुआ करिए कि जो है भगवान सब कुछ ठीक कर दे और जल्द से जल्द एक टीबी को लेकर एक इफेक्टिव वैक्सीन आ जाए, जिसके बाद टीबी की बीमारी दोबारा किसी को भी ना हो। देखिए, जो मैंने चैनल बना रखा है आप सबको गाइड करने के लिए बना रखा है, लेकिन ये मैं थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पे मेरा मेन पर्पस वीडियो नहीं है, मेन पर्पस है वैक्सीन। बस मैं चाहता हूँ कि फटाफट वैक्सीन आ जाए ताकि उसके बाद किसी को भी दोबारा टीबी की बीमारी ना हो। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।